नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें, वंदे भारत मिशन चरण 5 नवीनतम जो अपडेट है वो निकल कर आ गई है। आपको बता दें, वंदे भारत मिशन 5वां जो है वो 1 अगस्त से शुरू होने की घोषणा के बाद यहाँ पर केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि इसमें आपको बता दें भारत, कनाडा, कतर, ओमान के साथ जुड़ेगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ब्रिटेन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और अधिक देशों के लिए जो उड़ाने हैं वो वंदे भारत के 5वें मिशन में होने वाली है। आपको बता दें, पुरी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया है कि इस चरण के आगे बढ़ाने के साथ ही अधिक गंतव्य और जोड़े जाएंगे। वहीं अन्य गंतव्यों में चरण 5 भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कतर, ओमान, यूएई, सिंगापुर, यूके, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस जैसे देशों से जोड़ेगा। आपको बता दें, हमने पहले भी यहाँ पर बताया था कि इस चरण की प्रगति के रूप में और जो ज्यादा गंतव्य है वो जोड़ जाएंगे। और यहाँ पर जो जानकारी है वो ये कहती है कि करीब करीब यहाँ पर 814 के जो लोग हैं वो जो फंसे भारतीय हैं वो 6 मई से यहाँ तक आ चुके हैं भारत में अभी तक। आपको बता दें, 1 अगस्त 2020 से चरण 5 जो है वो शुरू होने जा रहा है और वंदे भारत मिशन के चरण 5 के शुरू होते से ही तुरंत बाद एयर इंडिया और अन्य डिजाइन किए गए एयरलाइंस टिकट बुक करना शुरू कर देंगे। विशेष रूप से वंदे भारत मिशन 5वां का जो चरण है 1 अगस्त से शुरू होकर 31 जनवरी तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम जो है वो शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये है अभी तक की लेटेस्ट अपडेट जो कि वंदे भारत के 5वें मिशन से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, जैसे लिस्ट आएगी हम आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं आपका दोस्त विनायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।